ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं इन्होंने दरअसल बिना कोई प्लान का, मतलब बिना किसी प्लान के, उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था, बिना प्लान का वो समझ लो अपना गांव छोड़ करके आ गए थे। कोई प्लान नहीं था उनका और वो अपना गांव छोड़ करके आ गए थे। उनको एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं था, वो क्या छोड़कर आ गए थे, अपना गांव। वही लिखा है, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। वो बिना कोई पहले का प्रीवियस थॉट, कोई विचार किए या कोई प्लान किए, वो अपना गांव छोड़ करके निकल आए थे। कौन निकल आए थे बताओ, जो एस्ट्रोलॉजर थे वहां पर। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। अगर वो वहां रहते, गांव पे रहते, तो अपने फोर फादर्स यानी उनके जो पूर्वज थे, उनके जो माने बाप दादा लोग जो बिजनेस किया करते थे, उनके बाप दादाओं का बिजनेस क्या था, बिजनेस कुछ नहीं था, खेती बाड़ी। क्या था, नेमली टाइलिंग द लैंड, जमीन में, जमीन को कोड़ना, है ना, लिविंग, वहीं पर रहना, माने मिट्टी का काम करना, जो मतलब जो काम रहता है खेती बाड़ी करना, मैरिंग, शादी करते वो, राइपनिंग हिज कॉर्न फील्ड, अपने जो फसल मैंने खेत में जो फसल हो रखा है उसको वो पकाते, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पुश्तैनी मकान में रहते। लेकिन वो तो छोड़कर आ गए थे, बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ये तो होना नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन। दरअसल उनको बिना किसी से बोले उनको घर छोड़कर निकलना पड़ा था। ओके, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 miles। वो जब घर छोड़कर निकले थे, कौन, एस्ट्रोलॉजर, तो 100 माइल जब तक वो पार नहीं किए तब तक वो रेस्ट तक नहीं किए थे। 100 miles, माइल एक, अच्छा 1 mile इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 mile इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 किलोमीटर और 100 mile, समझ रहे हो, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील। अच्छा, गांव के वासी के लिए शहर में आकर के रहना ये बहुत बड़ा ग्रेट डील था उनके लिए। एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, ऐसा लगेगा जैसे गांव से तुम निकल करके अगर शहर में आओगे तो लगेगा जैसे किसी समुंदर में तुम आ गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास रहने को कुछ नहीं है, सपोर्ट में कोई नहीं है, ठीक ना। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी में माने हाथ देखने के जो उनका काम था उसमें इतने एक्सपर्ट थे कि वो इंसानों के, मैंस ट्रबल, इंसान के जो समस्याएं थी। अच्छा, इंसान का समस्या क्या हो सकता है बताओ, 16 से 17 साल 18 साल की उम्र वाले लोगों का शादी कब होगा, माँ बाप क्या पूछता है, शादी कब होगा, ठीक। अच्छा, 20 से 25 या 30 साल के उम्र का लड़का या लड़कियां, नौकरी कब होगा, है ना। अब 30 के बाद वाले लोग, पैसा हाथ में आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, है ना, यही सब प्रॉब्लम्स। तो ये समस्याओं को वो समझ चुके थे, मैरिज यानी कि शादी, मनी पैसा, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और इंसानों के जो छोटे छोटे समस्याएं होती हैं उनको वो समझ चुके थे। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। इतना लंबा वो प्रैक्टिस कर चुके थे कि वो पूरी तरह से उनका दिमाग जो था ना मैंने शार्पेंड हो गया था, तेज हो गया था। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वॉज रॉन्ग। 5 मिनट में ही सामने वाले का क्या गलत है वो समझ लेते थे, 5 ही मिनट में। ही चार्ज्ड 3 पैसे पर क्वेश्चन। अच्छा, 3 पैसा, यहाँ पैसा होगा पीस नहीं, 3 पैसा वो चार्ज करते थे एक क्वेश्चन का, बात समझो, एक क्वेश्चन का कितना पैसा, 3 पैसा। एंड नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। और अगला सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट तक अगर बोलता ना रहे तब तक वो मुंह नहीं खोलते थे, बस चुपचाप सुनते रहते थे और हाथ पर ऐसे, देखो हाथ पर ऐसे ऐसे गिनते रहते थे, क्वेश्चन कितना हुआ,
नहीं समझे, 10 मिनट में उसका क्वेश्चन कितना हुआ, क्योंकि पर क्वेश्चन वो 3 पैसा चार्ज करेंगे, है ना, ऐसे हाथ पे वो गिनते रहते थे, 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलते थे। नेवर टिल विच प्रोवाइडेड हिम एनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइजेस, इससे वो दर्जनों आंसर दे पाते थे, माने जवाब दे पाते थे, एडवाइस सलाह ले दे लेते थे। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, जब वो माने जब वो बोलते, कोई भी व्यक्ति बोलता था तो ये क्या करते थे, अपने पाम में, अपने हथेली में ऐसे वो काउंटिंग कर रहे होते थे, देख रहे होते थे, तब तक वो उसके हथेली को देख रहे होते थे, सॉरी। इन अ मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, हाथ देख के वो बोलते थे कि इन अ मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट, जो भी तुम प्रयास कर रहे हो उसका तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब क्या, जो तुम कोशिश कर रहे हो उसका तुमको फल नहीं मिल रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 वे आर डिस्पोज टू अग्री विथ हिम, ये इस बात से 10 में से 9 लोग राजी हो जाते थे। हाँ या ना, पहले बताओ, राजी हो ही जाएंगे अगर तुम ही को हम बोलेंगे कि तुम प्रयास खूब करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलता, तुम्हारे मन मुताबिक सफलता नहीं मिलता, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। और ही क्वेश्चन, नहीं तो कभी कभी वो सवाल करते थे सामने वाले से, इज देयर एनी वोमेन इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है क्या, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है कोई दूर का रिलेटिव हो तुम्हारा, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो तुम्हारा भला नहीं चाहता है, हो सकता है। अब बताओ अगर किसी महिला को बोल दिया जाए, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई औरत है जो आपका भला नहीं चाहती है, सोच लीजिए, तो पता है ये लाइन सुनते ही वो क्या करेगी, पिछले 5 साल में जितने महिलाओं से मिली होगी उसमें से जो डेंजरस महिला होगी उसके बारे में लगेगी सोचने, है ना, और फिर उसको लगेगा हाँ 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 एकदम ठीक बोले हैं आप। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और कभी कभी तो वो कैरेक्टर के बारे में भी बताना शुरू कर देते थे, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, सारा समस्या आपके नेचर से है, आपके स्वभाव से है। जैसे मुझे एक बार किसी ने हाथ देखा था, कहा तुम्हारा घोड़े का लगाम जो है ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हम बोले मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मैं चला रहा हूँ, मैं अपने घोड़े को तो मैं अपने मेरे हाथ में ही है, अदरवाइज कहाँ से कहाँ है। तो ये इस तरीके का ना कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बता देते हैं सब। और ही गेव एन एनालिसिस, सर हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, तुम कैसे खुशी रह सकते हो अगर सैटर्न सही जगह पे ना हो तो, यू ये ग्रह है, ग्रह नक्षत्र जो है, यू हैव एन इम्पेचियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा जो है ना बड़ा ही इम्पेचियस नेचर है और बड़ा ही खराब एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर कहने का मतलब तुम्हारा जो नहीं बोलते हम लोग, जैसे तुम जो किसी से मिलते हो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है ना, वो इम्पेचियस माने डाउटफुल, सकी टाइप का, किसी काम को करने में ये करना, 10 बार सोचना। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, अब इस ये सब बात सुनते ही वो क्या होता था, सामने वाला व्यक्ति जो है ना तुरंत जो है ना इन सब बातों को मान लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, अच्छा यहाँ तक कि मैंने कोई भी मैंने एकदम नॉर्मल आदमी भी होगा ना वो भी सोचेगा कि हाँ हम दूसरों से सही से बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक्सटीरियर नहीं कर पाते हैं किसी से। अच्छा इसी समय द नट्स वेंडर, ये सब होता था तभी, नट्स वेंडर यानी जो बादाम बेचने वाला है वो क्या करता था, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, वो अपना फ्लेयर यानी कि अपने माने दिया को या ढिबरी को बुझाता था घर जाने के लिए। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और इसी सिग्नल से एस्ट्रोलॉजर को भी सिग्नल मिल जाता था कि उनको भी अब क्या करना है, बंडल अप
करना है क्योंकि रात हो गया है, उसके लाइट के बिना इनका दुकान नहीं चलने वाला है। सीन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल साफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, क्योंकि वहां पर अब अंधेरा हो जाने वाला है, क्योंकि वहां पर क्या होने वाला है, केवल एक ग्रीन लाइट रह जाएगा और कुछ भी वहां पे नहीं मिलेगा। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, इससे मतलब वो क्या करते थे, जैसे ही वो देखते थे बस वो लाइट जो है ना सिर्फ कहाँ ग्राउंड तक आके टच करता था, वो जो दूर दूर का जो लाइट था ग्रीन लाइट, इसका बुझ जाने के बाद दूर का जो लाइट था वो ग्राउंड पे आके टच करता था, ठीक है ना, पूरा लाइट नहीं मिलता था। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स, इसीलिए आखिर में वो अपने कौड़ी सेल्स को पिकअप करते हैं, ले लेते हैं, एंड पैराफेरमेलिया, और जितना भी उनका जो सामान वगैरह था, मतलब जो हाथ देखने का सामान है ना, वो जो पोथी पत्रा जो भी कह सकते हैं, वो सब को वो इकट्ठा करते हैं। वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और फिर वो अपने बैग में उसको रखने का कोशिश करते हैं। व्हेन द ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइफ वॉज ब्लॉटेड आउट, और तब जब एकदम ग्रीन लाइट जब तक बंद हो जाता था तब तक ये अपना सामान उठा लेते थे, एकदम बंद बंद करके निकलने का तैयारी ही, तभी अभी ये बंद कर ही रहे थे, सुनोगे ध्यान से अब क्योंकि कहानी यहीं से शुरू है, अभी ये बंद कर रहे थे, सामने में उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है ना खड़ा है, एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उनको लगा कि ये एक क्लाइंट है मेरे लिए, क्लाइंट कस्टमर। उन्होंने कहा, यू लुक सो केयर वॉन, आप काफी परेशान लग रहे हो, बेचैन लग रहे हो, इट विल गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल एंड चैट विथ मी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहां आओ मेरे साथ थोड़ा बातचीत करो, उस आदमी को एस्ट्रोलॉजर ने कहा। द अदर ग्रम्बल्ड सम वैग्यू रिप्लाई, दूसरे ने बड़ा अस्पष्ट तरीके से कुछ उसने जवाब दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर जो है ना अपने इन्विटेशन को फिर से दोहराया, ठीक है ना। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जब उसने कहा कि आओ तो वो अपने नाक के नीचे ऐसे अपने पाम को ऐसे रख करके देख रहा है उसको, किसको, एस्ट्रोलॉजर को, कौन देख रहा है, वो स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंजर, ऐसे ध्यान से वो देख रहा है, ठीक है ना, सोच रहा था। सेइंग कहता है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ड चैलेंज्ड एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइफ, उसके हाथ को पकड़ करके ऐसे वो कहता है, जहां पर ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइट मैंने पढ़ रहा था, वहां पर अभी लाइट पढ़ रहा था, और हाथ देखते ही वो शुरू हो गए, उसको बोलना शुरू कर दिया, योर्स इज अ नेचर, आपका जो नेचर है ना, वो शुरू किया, कौन शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर, किसका हाथ देख करके, स्ट्रेंजर का, स्ट्रेंजर कहता ओ स्टॉप स्टॉप दैट, बंद करो ये सब। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ सही चीज मुझे बताओ, जो मैं पूछूं वो बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ड पिक्ड, हम लोगों के जो फ्रेंड कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजर जो थे ना, वो जरा पिक्ड महसूस किए, थोड़ा चैलेंज्ड महसूस किए, बोले आई चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन, तुम अगर ऐसे बात करोगे तो मेरा बात सुन लो, पर क्वेश्चन मैं 3 पैसे चार्ज करता हूं, एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और आपको जो जवाब मिलेगा आपके पैसे के मुताबिक आपको जवाब मिलेगा, ये आप कंफर्म रहिए, जैसा पैसा दीजिएगा उस हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। एट दिस द अदर विथड्रीव हिज आर्म,
इसी बात पर वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। टुक आउट एन आना, ऐ तीन पैसे के जगह वो एक आना निकाल करके रखता है उसके सामने। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि वो जैसे हम लोग 3 रुपये के जगह 30 रुपया, माने इस तरीके से, माने 30 रुपया करके देने के लिए तैयार है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और ऐसे उसको उछाल के देता है, वो एक आना जो है ना ऐसे उछाल के देता है, ये लो। सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे कुछ सवाल है उसका तुम जवाब दो। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैं प्रूव कर दिया कि तुम ब्लफ मारते हो, यहाँ बैठ करके धोखा देते हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो ये एक आना इंटरेस्ट के साथ तुमको हमको देना पड़ेगा, याद रखना। अगर मैं साबित कर दिया कि तुम यहाँ बैठ करके क्या करते हो, सबको धोखा देते हो, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, कहता है इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है अगर मेरा जवाब सेटिस्फैक्ट्री रहा तब क्या करोगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज, 5 रुपया दोगे? तो वो कहता है नो, नहीं बोला। और विल यू गिव मी 8 आनास, ठीक है तो 8 आना दोगे? 8 आना, 4 आना, 8 आना पहले चलता था ना, अभी तो बंद हो गया, ठीक है 8 आना दोगे? तो वो कहता ऑल राइट, ठीक है देंगे, प्रोवाइडेड यू गिव मी 2x as much इफ यू आर रॉन्ग, हाँ ठीक है हम 8 आना देंगे, लेकिन अगर तुम गलत हो गए तुमको फिर डबल देना पड़ेगा मुझे। ये बात कौन बोला? स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा अगर तुम गलत हुए तो तुमको हमको 8 आना के डबल देना पड़ेगा, 2x माने दुगना, सेड द स्ट्रेंजर। खैर दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़े आर्गूमेंट के बाद ये पैक्ट जो है ना दोनों के बीच में फिक्स हुआ, दोनों के बीच में बातचीत तय हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीट ए चिरुड, एस्ट्रोलॉजर जो था ना प्रेयर से हेवन, माने हेवन से प्रेयर कर रहा था, ऐसे नहीं होता है, ऐसे माने ध्यान मुद्रा में चला जाता है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और सामने वाला जो है ना वो चुरुट जलाता है, चुरुट मतलब होता है वो जो नहीं होता है ऐसे करके पीते हैं सब, चीलम 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 नहीं, साइड से पीता है लोग इधर से जला के, उसी को चुरुट बोला गया है। देखो तो वो चुरुट जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाई द मैच लाइट, सुनो वो जो एस्ट्रोलॉजर था ना चूंकि अंधेरा था तो चीलम जलाने के लिए वो माचिस जो जलाया सामने वाला माचिस जलाया तो उसका चेहरा वो देख लिया एकदम क्लियर, क्योंकि अंधेरा में चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन जब लाइट वो जलाया तो उसका चेहरा एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया।